इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि विंडोज 7 पीसी में ब्राइटनेस को कम ज्यादा कैसे कर सकते हो। तो फ्रेंड आप भी यूज करते हो विंडोज 7 पीसी, लेकिन उसमें आपको ब्राइटनेस को कम ज्यादा करना है तो वही आपको आसान तरीके कर सकते हो। तो फ्रेंड इस वीडियो में आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हो, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप हमारा इस तरह की वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर दे। तो गैस इस समय जो पीसी है विंडोज 7 का, तो पीसी को मैंने ओपन कर दिया है, और ओपन करने के बाद उसमें ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कैसे करना है वही वीडियो में आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो आपको सबसे पहले पीसी में स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। तो चल मैं पीसी में स्टार्ट पे क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक करने के बाद आपको कंट्रोल पैनल ओपन कर देना है। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट पे क्लिक करते हैं और कंट्रोल पैनल ओपन कर देता हूँ। तो आपको इस तरह कंट्रोल पैनल ओपन कर देना है, और ओपन करने के बाद उसमें डिस्प्ले पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं डिस्प्ले पे क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक करने के बाद कई सारे जो ऑप्शन है वही आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपको कैलिब्रेट कलर पे क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो चलो मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ, और फिर से आपको इस तरह स्क्रीन ओपन हो जाएगा। तो आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, और फिर से आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो चलो मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक करने के बाद आप स्क्रीन पे देख लीजिए कि जो ब्राइटनेस का ऑप्शन है वही आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलो मैं जो हमारा स्क्रीन है लैपटॉप पीसी की, तो आप पीसी के स्क्रीन पे देख लीजिए कि हमारा ब्राइटनेस है वही हमारा कम हो गया है। ज़्यादा करना है तो आपको इस तरह एडजस्ट कर सकते हो। तो स्क्रीन पे देख लीजिए कि मैं रिकॉर्ड करके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें स्क्रीन रिकॉर्ड करते हैं तो हमारा ब्राइटनेस कम ज़्यादा करते हैं वही आपको देखने को नहीं मिलता है, लेकिन हमें जो रिकॉर्ड करके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको अच्छी तरीके से देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस स्क्रीन पे देख लीजिए कि हमारा जो स्क्रीन है वह जो ब्राइटनेस है वह हमारा कम ज़्यादा हो रहा है। तो आपके हिसाब से जो भी करना है वह आपको उसमें एडजस्ट कर सकते हो, तुम्हारा सही से जो वर्क कर रहा है। तो चलो मैं फिर से आपके एडजस्ट पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो जो सभी प्रोसेस है वह आपको कंप्लीट कर देना है। तो चलो मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो आपको इस तरह जो स्क्रीन है आपका पीसी की, तो स्क्रीन पे आपको एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन आपको कलर एडजस्ट करना है तो उसमें कलर पे कर सकते हो। तो चलो मैं कलर एडजस्ट करके आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस स्क्रीन पे देख लीजिए कि उसमें हमारा जो स्क्रीन है उसमें जो कलर है वह हमारा एडजस्ट हो रहा है। तो आपके हिसाब से जो भी रखना है वह आपको हिसाब से उसमें सिलेक्ट कर सकते हो। तो हमारा सही से पीसी की स्क्रीन है तो उसमें जो कलर है वही हमारा सही से एडजस्ट हो रहा है। तो आप स्क्रीन पे देख लीजिए कि आपको इस तरह विंडोज 7 पीसी में ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करना है तो आपको आसान तरीके उसमें कर सकते हो। और फिर से आपको सभी को नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, और उसमें फिनिश पे क्लिक कर देना है। तो आपको इस तरह जो सभी प्रोसेस है वह आपको उसमें कंप्लीट कर सकते हो। तो गाइस आप देख लीजिए कि जो सभी प्रोसेस था वह मैंने आपको कंप्लीट लाइव प्रूफ करके बता दिया है कि कंप्यूटर में जो विंडोज 7 यूज करते हैं लेकिन उसमें आपको ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करना है तो इस तरह आपको आसान तरीके कर सकते हो। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।